ऐसे हैं। और जो लोन पेयर है ना वो अलग से इस पे कैप्ड है, कैप लगाया है। जैसे बच्चा होता है ना कोई, मान लो कोई स्टूडेंट है, अब वो है, उसके बाद उस पे कैप वगैरह लगा दिया, जो भी कैप होता है, कैप होता है ना, यस सर। कैप लगा हुआ है, कैप्ड ऑक्टाहीड्रल। अब कैप क्योंकि लोन पेयर है तो इससे डिफॉर्मेशन आएगा, एंगल्स को क्या करेगा, ये डिफॉर्म करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है डिस्ट्रिब्यूटेड ऑक्टाहीड्रल। याद रखोगे, कैप्ड ऑक्टाहीड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। ये एक्सेप्शनल है, इसमें हमने एक्सपर्ट ऐसे, बट हमारे एक्सपेक्टेशन पे ये खरा नहीं उतरा, एक्सपेक्टेशन से बदल गया, ऐसा नहीं होता, जबकि ये ऐसे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का है, और पहले जो एंगल थे वो 72 डिग्री थे। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपनी चलाता है यहाँ पे, और इस तरीके से अरेंज करवाता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए मॉलिक्यूल की। तो लोन पेयर क्या रहता है, ये पूरे में रोटेट करता है, रोटेटिंग थ्रू आउट दी मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में ये घूम रहा है। कैप, जब बच्चे ने कैप लगाई है, इसको घुमा के इधर से लगा ली, पीछे कर ली, तो हीरोगिरी कर रहा है अगर बच्चा, तो वैसे ही ये भी करता है। समझ रहे नहीं, ये यस खूब सर। इसकी जो, हाँ, जो इसका जो लोन पेयर है ना वो रोटेट कर रहा है, डिलोकलाइज्ड हो रहा है, स्टेबिलाइजेशन बढ़ रहा है। चार्ज जितना डिस्पर्स होगा ना, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर दी डिस्पर्जन और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मोर विल बी मोर विल बी दी व्हाट स्टेबिलिटी। इसको नोट करें। सर सर हेलो सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, बताओ। ठीक सर, ये है, आपने इधर क्या लिखा है, जीनॉन के और दोनों फ्लोरीन के बीच में वो 90 डिग्री के पहले क्या लिखा है? ये अप्रोक्सीमेट निशान ओके सर। है। हाँ अप्रोक्सीमेट ऐसे करके, इक्वल टू मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू है, और अप्रोक्सीमेट इक्वल का मतलब है ऑलमोस्ट इक्वल है, लगभग बराबर है।
सर हाँ थोड़ा सा नीचे करो ना। डन सर। ओके नाउ सब केसेस हमने देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। अंडरलाइन आइटम का बताना है। ये वाला केस कराए हैं क्या? ये वाले अभी नहीं कराए क्या? आंसर बताइए बच्चों।
मैं बताता हूं कैसे करना है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बताओ क्या ट्रिक लगाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लस माइनस जो चार्ज है वो सेंट्रल एटम को देना है। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। कार्बन हाँ कार्बन सर। हाँ तो प्लस टू कर दो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आए ना एक्स्ट्रा, माइनस लगा है छह। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं? एक ऑक्सीजन को दो, तो सबको दो दो बांट देगा, कितने सिग्मा बनेंगे? थ्री और जीरो लोन पेयर, बिकॉज हर ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp2 sp2 आ गया, वेरी गुड, ये आंसर हो गया। अगर ऐसे भी देखना है तो ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ से भी sp2 आएगा, इस स्ट्रक्चर को एक बना लो, से भी sp2 आएगा, ये एक्चुअल लुईस स्ट्रक्चर है। अब आगे चल के तुमको पता चल गया था इसमें रेजोनेंस भी होता है, याद है रेजोनेंस होता था कि नहीं sp2 में? yes, कितने एंगल पे होगा, एंगल क्या होगा बताओ इनके बीच का sp2 अगर है? 120 होगा ना बच्चे। yes, और ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, पूरे में 2 माइनस रहेगा। तो मैं ये सब करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा टफ हो जाता है। अगर बॉन्ड एंगल पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि सर एक्चुअली इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसके अंदर रेजोनेंस है, तो सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बच्चों, याद है कितना आया था? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय 3। ये वाला पोर्शन नहीं कराया क्या तुम लोग को अभी? ये वाला ऐसा रेजोनेंस नहीं पढ़ाया क्या मैंने अभी तक? नहीं पढ़ाया ना? रेजोनेंस ठीक है, रेजोनेंस पढ़ा दूंगा, है ना, कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद रेजोनेंस पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ बाकी अभी इतना याद रखो, ट्रिक है हमारे पास ऐसा, ये वाला बना लेते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ये लुईस स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो रेजोनेंस में बताएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आया, इसमें बताओ क्या आया? देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 और 2 और आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। कितने आएंगे सिग्मा? टोटल सिग्मा कितने आएंगे? 4। और लोन पेयर 0, sp3 आया था। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या बोलो कि सर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, इसको भी अलाउ करा जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो सब गायब है इसके, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp3 आएगा। नेक्स्ट फॉस्फेट, फॉस्फेट में बताओ ट्रिक से, बताओ फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन देना है कि नहीं देना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 4, 4 सिग्मा, सॉरी 2 चाहिए पर ऑक्सीजन, तो 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर। यस सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना? यस सर। गुड, बताओ फोर्थ। देखो जिसको थोड़ा सा लग रहा है फास्ट हो रहा है वो बीच में पूछ, इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, या सिंपल इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड।
हमेशा याद रखना है फॉस्फोरिक एसिड में एक पी डबल बॉन्ड जरूर होगा, बाकी जितने एच लगे हैं वो ओएच से ऐड करना है। यस सर। सिग्मा आए थ्री फोर ये यस सर सर आपका आवाज कट रहा है सर। और कट रहा है अभी भी कट रहा है क्या? नहीं नहीं अभी आ रहे सर अभी आ रहे। अच्छा लोन पेयर तो जीरो है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp 3 yes, है ना yes, sir. अच्छा फिफ्थ बताओ, फिफ्थ वाला H2SO4 क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3 कैसे आएगा? सल्फर को सेंट्रल एटम मानेंगे yes, और OH मानेंगे। सल्फर कितने सिग्मा बना रहा है? सेंट्रल एटम जो है उसको देखना है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 yes, sir. अब देखें बच्चों सिक्स नंबर पे NO3 माइनस का ध्यान से देखना। एक तो ट्रिक मेथड से करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5+1 कितने हो गए? 6 और ऑक्सीजन 3 है तो कितने सिग्मा बनेंगे बच्चों? 3 है ना। लोन पेयर 0 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 हाँ या ऐसे कर सकते हो हाइड्रोजन O माइनस डबल बॉन्ड O। सो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के बॉन्ड उनके साथ पेयर करेंगे ना? किसको? हाइड्रो मतलब दो साइड पे ऑक्सीजन के साथ पेयर करेंगे ना? चार सिग्मा बॉन्ड्स के लिए किस वाले में? सो पिछले वाले पे सर। अपना H2 जब भी सल्फर का कोई एसिड होगा तो जितने एच होंगे उतने ओएच लेंगे, याद रखोगे? जो मोनो एसिड्स होंगे और जो डाई एसिड्स हैं या फिर पायरो वगैरह है उसको आगे बताएंगे, बट याद रखना जितने सल्फर में एच हैं उतने ओएच लगाने तुम्हें, ठीक है? यस सर। इसलिए वो पेयर किया है। कितने सिग्मा दिख रहे हैं बताओ? 3 सिग्मा 0 दिख रहे हैं। sp2 आ जाएगा यहाँ से। sp2 या तो ट्रिक मेथड करो या नीचे वाला मेथड करो। NO2 प्लस क्या आएगा बताओ? दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पे रहेगा इलेक्ट्रॉन लोन पे। ट्रिक मेथड से कर सकते हो क्या? 5-1 चार इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? लोन पेयर कहाँ आ रहा है बच्चे? लोन पेयर तो नहीं आ रहा है। ट्रिक मेथड से कैसे तुमने किया है? नॉर्मल मेथड से किया है क्या? हाँ हाँ सर। नहीं गलत होगा, गलत होगा। अच्छा ऐसे करना है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है यस सर। और ऑक्सीजन को 2-2 दे देगा, सिग्मा 2 बनेंगे, लोन पेयर 0 हो जाएगा। भाई इस तरीके का है, देखो नाइट्रोजन पे प्लस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे दूसरे वाले क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट इसका ऑक्टेट खुद का कंप्लीट। सिग्मा कितने बन रहे हैं बोलो? 2 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 यस सर। sp सिर्फ है ना? हां सर। सिग्मा 2 है ना, 1 सिग्मा 2 yes. सिग्मा है तो याद रखें थोड़ा सा इसको। यस सर। ओके देखें N2O5 कैसे होता था, याद है कुछ?
कितने लोगों को याद है N2O5 का स्ट्रक्चर, ये वाला याद नहीं? N2O5 का घुमाया था, याद आया? हाँ सर। देखो एक बॉन्ड ब्रेक करना है ऐसे, बताओ किसको इलेक्ट्रॉन, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है NRO में, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन यस, दोनों खींच लेगा अपने पास ये, तो क्या बनेगा NO2 प्लस और NO3 माइनस, यही बनाया था कि नहीं थोड़ी देर पहले, याद है? यस सर, यस सर। इस पे क्या आ रहा है sp, और इस पे क्या आ रहा है sp2। sp2 हम क्या कह सकते हैं N2O5 जो सॉलिड है वो किसका किसका मिक्सचर होता है, प्लस एंड NO3 माइनस, ये होता है और ये sp2 होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है N2O5 में, बताओ सो sp2, यस इसमें sp2 ही है ना, क्योंकि भाई एक से और लोन पे, हाँ लोन पेयर तो है नहीं ना, लोन पेयर तो यहाँ चला गया sp2, ये कॉन्फिडेंट है। ऐसे PCl5 सॉलिड जो है वो PCl4 और PCl6 माइनस का मिक्सचर होता है, दो PCl5 आपस में ऐसे बंधे रहते हैं, याद रखोगे? हाँ सर। तो हेडिंग डाल लो सॉलिड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो बताओ, दिग्विजय समझ में आया, स्पंदन, आदित्य कहर, एक बच्चा आया था क्या है वो इस क्लास में, देखो एनालाइज उसका मीनिंग क्या है, क्या चीजों में उससे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, समझने का, तुमने देखा होगा, तुमने दो तीन थ्योरीज पढ़ चुके हो, आगे नीला पेन, तो ये हमें याद रखना है। सॉलिड का इसका देख लिया, बच्चा बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप लोग बताएंगे, यही का एग्जाम दोगे ना, सब सब लोग देंगे, सब लोग आंसर भी बताएंगे, PCl5 में बताओ फास्फोरस का, तो सबका इंडिविजुअली बताना ना, हाँ तो PCl5 में sp3d है सर, sp3d, डी, वेरी गुड, उसके बाद, और सर PCl4 में है sp, उसमें भी sp3 है, sp3 है उसमें, वेरी गुड, इसमें सर इसमें sp3d2 है, हाँ ऐसे ही याद रखना, pbr सॉलिड फॉर्म में, देखो गैसियस फॉर्म में तो इधर वाला एग्जिस्ट करता है, गैसियस में देखो ये जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा ये गलत इसलिए है, इसको हटा दो, ये गैसियस में होता है, गैसियस में क्या होगा बोलो sp3d, और सॉलिड में तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ये याद रखना है, यस सर, हाँ तो उसको थोड़ा सा बदल के लिख लो ऐसे,
यहाँ sp3d होगा और सॉलिड में pbr4+ एक ही मॉलिक्यूल टूटता है इसका, तो br- तो इसमें हाइब्रिडेशन होने की जरूरत नहीं है, तो अकेला है। यहाँ क्या होगा बताओ sp3? हाँ सर, सर यहाँ पे खाली एस होगा शायद बीआर में। नहीं, हाइब्रिडेशन नहीं करेगा वो, की जरूरत क्या है उसको? उसका पी ऑर्बिटल जो है वही काम करेगा, उसका उसको तो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। क्या बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे? नहीं, बॉन्डिंग, तो फिर हाइब्रिडेशन क्यों होगा? हाइब्रिडेशन कब होता है? तो होती है ना, सो जब बॉन्ड बनते है। यस, हाँ, जब बॉन्ड नहीं बनते तो हाइब्रिडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखाएंगे तुम्हें कौन सा, N2O5 वाला फिर से लिख लो। N2O5 सॉलिड किसमें एग्जिस्ट करता है बताओ? याद आया कुछ? यस, NO2 और NO3, माइनस है ना। नेक्स्ट देखो, IF5 जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस जब होगा बताओ क्या होगा? लिक्विड में ये IF+ और IF6- में एग्जिस्ट करता है व्हेन गैस। हाँ, स्क्रॉल करेंगे, बताओ। आयोडीन के पास 7 सिग्मा 5 लोन पेयर 1 यस सर, D3 व्हाट D2 D2 का तो क्या नाम लिखेंगे? स्क्वायर पिरामिड से एक लोन पेयर भी है ना। और इसमें बताओ क्या आएगा? आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, 6 बचे और 4 सिग्मा एक लोन पेयर, क्या आएगा? sp3d। Yes, sir. सिग्मा 1 लोन पेयर पे क्या आया था? सीसॉ, याद है? हाँ सर, आपने बताया था सर्कल। हाँ हाँ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक आया, कितने हो गए? 8 8 हो गए और एक भी लोन पेयर नहीं है। हाँ, sp3 d3। इसमें अगर शेप पूछेगा तो इसमें इसमें तुम्हें पेंटागनल पिरामिडल ही लिखना है। इसके केस में कंफर्म नहीं हम लोग को है कि प्रैक्टिकल डेटा क्या है, तो हम लोग sp3d3 में पेंटागनल पिरामिड लिखेंगे। बट ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड में क्या लिखो बताओ? कैप डॉक्टाहेड्रल, याद है? हाँ सर, उसका अलग से याद रखना। इसका शेप वगैरह नहीं पूछेगा तो पेंटागनल पिरामिडल लिख देना, क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस के बाहर की बात है, प्रैक्टिकली इसका क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर। नोट करें जल्दी जल्दी। हाँ सर। हो गया सर। इसका भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही अभी मैंने चेक कर लिया, ठीक है, याद रख लेना। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जो उसमें था। अब स्क्रॉल करना पड़ेगा। Thank you.
बोलो बोलो। डन वेरी गुड, याद रखेंगे ऑलवेज। अब मैं बना देता हूं तुमको, व्हेन सिक्स सिग्मा वन लोन पेयर देन शेप क्या होगा, व्हाट विल बी द शेप, बोलो याद रखोगे कि नहीं। लिख लो इसको, बोलो क्लियर। डिस्टॉर्टेड मीन्स डिफॉर्म्ड, है ना, डिफॉर्म्ड मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ, है ना, जिसका शेप जो है वो कैसा हो गया हो, बिगड़ गया हो, डिस्टॉर्शन आ गया हो। मान लो तुम्हारे पास बोला कि ये स्क्वायर है, बोला कि ऐसे कर दिया इसको, ये रेगुलर है और ये डिस्टॉर्टेड है, बोलो समझ गए कि नहीं, ऐसे समझ में। यस हाँ हाँ ओके आगे तो रेजोनेंस पे आ जाते हैं। रेजोनेंस नहीं पढ़ा है ना, तो याद रखेंगे व्हेन व्हेन एनी मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग वन सिंगल लुईस स्ट्रक्चर देन देन बी ड्रॉ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दीज कैनोनिकल
structures, the hybrid structure can explain all the physical and chemical properties of the molecule or ion. This phenomena is called resonance. क्या बोलते हैं इसको? Resonance. Yes, sir. Sir, ये आपने बस मतलब उस पे applicable है ना, distorted octahedral पे? वो हो गया, वो तो हो गया बच्चे. Resonance पढ़ा, एक अलग से टॉपिक है, न्यू टॉपिक. ओके सर, कंप्लीट हो गया. ठीक है, एक्चुअली टाइम कम बचा था इसलिए मैंने जो ज्यादा तुमको ओवरव्यू दिया नहीं, एकदम से लिखाने लगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, बोर्ड से पढ़ाया मैंने, फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ा दे रहा हूँ. रेजोनेंस क्या होता है? When any molecule has more than one Lewis structure and the properties of the molecule cannot be described using one single Lewis structure, then we draw a hybrid structure of these canonical structures. Canonical का मतलब जिनसे मिलके हमने हाइब्रिड बनाना है, मतलब जो लुइस स्ट्रक्चर्स पुराने वाले हैं, मोर देन वन वाले, इनको बोलते से क्या बनाते हैं, हाइब्रिड. और जो हाइब्रिड होता है उससे सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती है. यस, नोट करें जल्दी से. हो गया सर. अच्छा, तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट कैनोनिकल फॉर्म्स आर इमेजिनरी व्हाइल हाइब्रिड फॉर्म exist in real. एग्जाम्पल लेते हैं, सीओ थ्री टू माइनस के स्ट्रक्चर बनाओ, कितने बना पाओगे? देखो
बच्चों ऐसे बनाया कि नहीं? फर्स्ट वन नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। एग्री? यस सर। अच्छा ये अगर वन नंबर दिया इसको, दो इसको, तीन, तो वन और टू वाले बोलेंगे मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, ऑक्सीजन तो हम भी हैं, तो हम लोग के ऊपर भी तो डबल बॉन्ड लग सकता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर एक बना सकते थे, इसको रोटेट कराओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ क्लॉकवाइज रोटेट कराएं कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कहाँ पे ले जाएं इसको, क्योंकि तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इस पोजीशन पे तो पहले से दो पोजीशन और बची हैं, तो इस पे भी लाएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, बोलो पॉसिबल है कि नहीं? एक और पॉसिबल है। अच्छा इसके बाद अगर नीचे लाओगे तो रिपीट होगा कि नहीं होगा, फिर से वापस पहला वाला रिपीट होगा? हाँ सर हो सर। बोलो। हाँ 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 हो जाएगा ना, ऐसे नीचे लाओगे जब तो ये वापस ये बन जाएगा, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है बताओ? थ्री 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 रेजोनेटिंग, इनका नाम क्या है, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और फॉर्म्स, थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स। नाउ हाइब्रिड बनाएंगे, देखो हाइब्रिड कैसे बनता है बताओ, डबल बॉन्ड क्या अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है? यस yes. और सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा रहता है, इनको मिलाना, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिला के बनाना, और डबल बॉन्ड तीनों जगह जा रहा है तो उसको डैश्ड कर देंगे क्योंकि वो बढ़ रहा है, और माइनस चार्ज कितना है टोटल, टू, और तीन जगह बढ़ रहा है, कितनी जगह बढ़ रहा है, माइनस चार्ज, इसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब सवाल उठता है कि सर ये तो देख के बता दिया आपने, फॉर्मूला बताइए कुछ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो इसके अंदर मिलेंगे जिनका रेजोनेंस हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पोजीशंस, कहाँ कहाँ बॉन्ड बन रहा है, कितनी जगहों पे। चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिस पे चार्ज है, क्या ये फॉर्मूले याद कर पाओगे, बोलो पहले। तो कोई स्ट्रक्चर उठाओ, पहला फॉर्मूले यूज करते हैं, बताओ कितने बॉन्ड हैं, गिनके बताओ, इसमें टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉन्ड्स, बोलो, चार, फोर, और कितनी लोकेशन है, एक दो तीन जगह बॉन्ड है ना, तीन ही लोकेशन तो दिख रही है, तीनों जगह ही हम चार बॉन्ड को घुमाना है, तो फोर बाई थ्री कितना आएगा, 1.33, मतलब एक बॉन्ड पूरा होगा और वन थर्ड सबको मिलेगा एक्स्ट्रा, तो बताओ इस बॉन्ड ऑर्डर पता है क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, याद रखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, कोवेलेंट बॉन्ड जितने हैं। चार्ज के लिए निकालो बच्चे, चार्ज टोटल कितना है तुम्हारा, व्हाट इज द टोटल चार्ज, माइनस टू है, माइनस टू, कितनी जगहों पे बटना है, कितने एटम्स पे बटना है, एक दो तीन, कार्बन पे तो चार्ज आता नहीं ना, कार्बन पे तो चार्ज नहीं आ रहा ना पूरे एटम में, ऑक्सीजन पे आ रहा है, कितना आएगा, माइनस टू बाई थ्री या माइनस 0.67, तो ये हमने लिख दिया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो नोट करें जल्दी से, ये
का कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले याद कर पाओगे कि नहीं? नोट हुआ? सर फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला फॉर्मूले लिख गए हैं। अच्छा कोई इसमें डाउट हुआ तो पूछ लो अभी, फिर इसको आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, इसमें अभी और काम बाकी है। बोलो। नहीं सर समझ में आ गया आज आपने जो सिखाया। अच्छा ठीक है, इसमें वैसे भी काम और बाकी है, रेजोनेंस पे अभी हम लोग और काम करेंगे। ठीक है? यस सर। तो ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और ये सेव जो है सफेद पेज पे होगा, ऐसा नहीं सेव होगा। जिनको डाउट है तो पूछ लो, बाकी लोग अपना जो है धीरे धीरे लीव करें, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग। ओके चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ प्रथम कर देंगे, एविडेंस क्लास तुम्हारी है ना, उसके मुझे एक बार हाय तो लिखो पहले व्हाट्सएप पे। ठीक है प्रथम, चलो जल्दी से लिख दो ताकि मैं तुमको भेजता हूँ। एंड बाय एवरीवन।